नमस्कार, वीएस किचन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन की तरी वाली सब्ज़ी। पहले भी मैंने सोयाबीन की कई रेसिपीज शेयर कर रखी हैं आपके साथ, पर आज हम इसे तरी वाली बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सोयाबीन को पहले ही उबलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये कटोरी भर के एक सोया बड़ी ली है और इसे मैंने गर्म पानी करके उसमें उबाल लिया है। इसको अच्छे से उबाल लेना है आपने, जब तक कि इसमें झाग ना आ जाए। तो देखिए इस तरह से अब मैं इसको गैस की फ्लेम बंद करके इसको छान के और निचोड़ लूँगी। देखिए मैंने इनका सारा पानी निकाल दिया है। इस तरह से हम इसको निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसको हम अलग प्लेट में रख लेंगे इस तरह से। तो चलिए अब हम करते हैं सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल या घी ले सकते हैं। तेल को सारी कढ़ाई में आप इस तरह से फैला ली। तो अब तेल हो गया हमारा गर्म। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च। एक छोटा चम्मच डाल दिया मैंने जीरा और 2 पिंच डाल दिया हींग। और इन सबको हम हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेंगे। और यहाँ पर मैंने 3-4 प्याज ले लिए हैं काट के। आप चाहे तो यहाँ पर प्यूरी भी ले सकते हैं, इसकी पेस्ट भी बना के ले सकते हैं। और इसी में मैंने डाल लिया है लहसुन, गार्लिक फाइन चॉप किया हुआ। तो देखिए गोल्डन हो गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इनको हम गैस की फ्लेम स्लो करके भून लेंगे। यहाँ पे आप गैस की फ्लेम चाहे तो बंद कर दें या फिर स्लो रखें, क्योंकि हमने इनका कलर नहीं चेंज होने देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है धनिया पाउडर, उसको भी, और 2 डाल रही हूँ मैं यहाँ पे ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, इनको भी हम इसके साथ ही भून लेंगे। तो लीजिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टमाटर, आप प्यूरी भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और ऊपर से टमाटर को पकाने के लिए हम डाल देंगे इसमें नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक और इस तरह से हमने कर दिया मिक्स अच्छी तरह से। और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच पानी और फिर हम इसे मिला देंगे अच्छी तरह। और फिर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के 2 से 3 मिनट। देखिए 3 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उतार के देखा तो हम टमाटरों के सर स्मैश कर रहे हैं, पर अभी थोड़ा सा 1-1.5 मिनट और लगेगा, तो मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इतनी देर हम दही ले रहे हैं। आप मैंने 1 कप दही ली है और उसको अच्छे से फेंट लिया है। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया टमाटर वाला। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मेथी, कसूरी मेथी डाल दी है मैंने इसमें 1 चम्मच। और इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने दही को फैट लिया था। दही आप जब भी डालें तो अच्छी तरह फैट के डालें और इसको आप लगातार कंटिन्यूस चलाते जाएं। दही डाल के आपने ऐसे नहीं छोड़ना है और गैस की फ्लेम को आप स्लो कर दें। तो लगातार हम इसे चलाते जाएँगे ताकि दही हमारी फटे नहीं। और आप इस तरह से दही वाली ये सोयाबीन की सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी होती है। तो लीजिए इसमें उबाल आ गया और ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने सोया बड़ी का पानी निचोड़ के रखा था, उसको अच्छे से हम इस ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। आपने तरी वाली बनानी है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तरी वाली नहीं बनानी है तो आप इसे पानी को बिल्कुल थोड़ा सा डाल के और पकने के लिए छोड़ दें। तो मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है इस तरह से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। देखिए आप देख पा रहे हैं हमने ये सब्ज़ी ऐसी रेडी की है और इसे अभी हम ढक देंगे। आप इन्हें चावल के साथ भी, रोटी के साथ भी, कैसे भी ले सकते हैं। तरी वाली सब्ज़ी है हमारी सोया बड़ी की। तो सब्ज़ी हमारी रेडी है, इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और इसे हम मिला देंगे। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरी वाली सोया बड़ी हमारी रेडी हो गई है। पर अभी मैं इसको 1 मिनट के लिए और ढक दूंगी गैस की फ्लेम बंद करके। तो लीजिए अब हम इसे कर देंगे सर्व। तो आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम लें तो कितनी हमारी यम्मी टेस्टी सब्जी बन के रेडी हुई है। आप इस तरीके से बना के देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।